अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना किचन। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस से टेस्टी से रेडी होने वाली कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस से लग रही है। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पतीले में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब इसमें मैं एक लार्ज साइज़ का प्याज ऐड कर दूँगी। इस तरह से बारीक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दें। प्याज को इस ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लें। प्याज को आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इस तरह से प्याज को फ्राई करें। अब यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें ली हैं और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इन दोनों चीज़ों को आपने इसमें ऐड कर देना है। इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक, हरी मिर्चों का पेस्ट है। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें और इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करके मसाला बना लें। अब यहाँ मैंने 1 किलो के करीब दही ली है, आप देख सकते हैं। अब इन्हें एक ब्लेंडर में डाल दें दही को। 2 कप के करीब आप यहाँ पर बेसन ऐड कर दें और दही और बेसन को अब आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। दही और बेसन अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आपने इस मसाले में इसको ऐड कर देना है। इस तरह से ब्लेंडर में करने से इसके ऊपर बबल्स नहीं बनते और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसे आप पकने के लिए छोड़ दें। अब यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और थोड़ी सी पालक ऐड की है इस तरह से बारीक बारीक कटी हुई। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर ले लें, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लें, 1 टेबल स्पून अनारदाना और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। अब इन सब मसालों को आपने इसमें ऐड कर देना है। 1 कप आपने इसमें बेसन ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका इस तरह से बैटर बना लेना है। तो अब इन पकौड़ों को आपने फ्राई कर लेना है। गरम ऑयल में आप इसे फ्राई कर लें इस तरह से, जिस तरह नॉर्मल पकौड़े फ्राई करते हैं उसी तरह से इन्हें फ्राई कर लें। तो पकौड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे, अब इन्हें बाहर निकाल लें अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं पकौड़ों को मैंने फ्राई कर लिया था। तो कढ़ी भी हमारी तकरीबन रेडी है, आप देख सकते हैं ये गाढ़ी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं इस तरह से। अब जो पकौड़े हमने रेडी किए हैं, फ्राई किए हैं, वो इसमें ऐड कर दें ताकि पकौड़े नरम हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस सी कढ़ी पकौड़ा हमारी रेडी है। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। मेरी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।